अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज है 31 फर्स्ट, ट्रिप का फर्स्ट डे आज गदर टू मनाली जाने का। तो मेरे साथ में जावेद भाई आए हैं। अब हमें आए रेलवे स्टेशन को क्योंकि हमको रिजर्वेशन कंफर्म टिकट नहीं मिला, तो अभी आए हम तत्काल कटाने के लिए। फॉर्म पूरा फिलअप कर दिए, तो अभी हम जाते हैं टिकट कटाते हैं। और उससे पहले ये जावेद भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो जाइए फॉलो कीजिए क्योंकि उनका भी वीडियो डेली व्लॉग्स आने वाले हैं। तो साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हूँ, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, आपने देखा पीछे रेलवे स्टेशन का बोर्ड था मेरे गांव का, तो अभी मैं पहुंचा हूं रेलवे स्टेशन को। ऐसे हम जाएंगे मुंबई को, मुंबई से अजमेर का टिकट कंफर्म हो चुका है, तो यहां पे भी सब लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, और मेरे को मेरा भैया आके ड्रॉप करके चलेगा। तो ये देखिए ऑलरेडी गाड़ी आके रुक चुकी है। ये रहा हमारा जाने का मुंबई, और ये आया है हुबली से अभी जस्ट। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ एकदम आगे, और मेरे दोस्त लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे है मेरे भाई लोग, तो ये रहे मेरे दोस्त, सब लोग बैठ चुके हैं इधर। ओ भाई लोग हाय बोल दीजिए एक बार। हेलो गाइस। और ये जावेद भाई ब्लॉगर, और रहे चाचा छोड़ने के लिए आ गए हमको स्टेशन तक, और ये रहे मिस्त्री, उन्होंने हमारे साथ आ रहे हैं साथ में ही। टाइम हुआ है 5:30, अभी बीजापुर से डायरेक्ट निकलेंगे। तो थोड़ा यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही फेमस है यहाँ पे स्टेशन पे, तो वड़ा पाव खा रहे हैं सब लोग, और चाय भी पी रहे, तो मैं भी खाऊँगा और पीऊँगा भी। तो चलिए देखिए जहाँ पे हम जगह डब्बे में चढ़े थे, अभी फुल हो गए एकदम, बिल्कुल एकदम फुल हो गया है, और चाय भी पी लिया भाई लोगों ने। तो चलिए बीजापुर को बोलते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे बीजापुर को कुछ दिन के बाद। बीजापुर में बहुत सारे प्लेसेस है देखने के। ये देखिए बीजापुर का एनएच हाईवे है, उसके बगल में ही बोड़के का फैक्ट्री बड़ा सा, जो पूरा बीजापुर का मोड़का लाते हैं वो सब।